मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीते दिनों जो हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पहले तो एक निर्दयी ऑटो ड्राइवर ने 12 साल की मासूम से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया, फिर खून से लथपथ अजमरी मासूम को अकेला छोड़कर भाग निकला। उस हैवान से किसी को रहम की उम्मीद तो कतई नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। 12 साल की मासूम खून से लथपथ हालत में 8 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इंसानियत पर सवाल उठाती ये दर्दनाक कहानी इससे पहले भी हम आपको अपनी रिपोर्ट में बता चुके हैं। आई बटन पर आप क्लिक कर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खबर के लिंक पर जाकर आप उज्जैन में हुई हैवानियत की पूरी कहानी के बारे में जान सकते हैं। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 12 साल की मासूम का अभी इंदौर के MTH अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसे ऑपरेशन के बाद अब होश आ गया है। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक जब से बच्ची को होश आया है वह तब से अपनी मां को याद कर रही है, मां मां चिल्ला रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के निजी अंगों पर काफी गंभीर चोटें आई है। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि अगर समय पर इलाज नहीं कराते तो शायद उसकी जान चली जाती। फिलहाल डॉक्टरों ने समय रहते उसका ऑपरेशन कर दिया है और उसके ठीक होने की उम्मीद भी है। मासूम की जान तो बच गई है, लेकिन उस दर्द से बाहर आ पाना उसके लिए कतई आसान नहीं है। शारीरिक रूप से तो बच्ची ठीक हो भी रही है, लेकिन मानसिक रूप से अब भी डिस्टर्ब्ड है। अपने साथ हुई दरिंदगी के कारण बच्ची अब भी गहरे सदमे और पीड़ा में है। इस घटना का उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ है कि वो नींद से अचानक बार बार उठ जा रही है। अस्पताल के पुरुष स्टाफ को देखकर सहम जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पूरा देश मासूम के ठीक होने की दुआ मांग रहा है। उज्जैन में जो घटना घटी उससे पूरा देश शर्मिंदा है, वहीं आरोपी के पिता भी इस घटना से बेहद आहत है। रो रोकर उनका बुरा हाल है। अपने बेटे की करतूत से शर्मिंदा पिता दिल पर पत्थर रखकर बेटे को फांसी देने की मांग कर रहा है। आप भी सुनिए। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है ये। ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में, बेटी किसी की भी हो। ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो। मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देना चाहिए। आपकी तरफ से अपन क्या मांग करते हैं, आप पुलिस प्रशासन से किस तरह की सजा का मांग? वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ पे हमको विश्वास है, वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है, चाहे बेटा किसी का भी हो। मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सजा मिलनी चाहिए। पहले भी अपराध रहे हैं क्या? पहले लड़ाई झगड़े के है, इसके दो एक अपराध है, इसके लड़ाई के है। बाकी ये ऐसे कोई अपराध हमारे समाज में किसी ने नहीं किया, ऐसा ना कभी हुआ ऐसा। जी हाँ, अगर गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। आरोपी का पिता ही नहीं बल्कि पूरा देश उस हैवान को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है, साथ ही बच्ची के जल्दी ठीक होने की दुआ भी मांग रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।